हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का करेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम निफ्टी का करेंगे एनालिसिस। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी में जो है किस साइड के मैक्सिमम मोमेंटम आपको मिल सकते हैं, ट्रेडर की साइकोलॉजी माइंडसेट को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज का जो एनालिसिस वीडियो था मैं बना नहीं पाया, ना ही लाइव आ पाया, क्योंकि आज मैं अपने स्टूडेंट के साथ में लाइव था कि गूगल मीट पे, तो वहाँ पर हम लाइव कर रहे थे, इसलिए यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाया। और जो कल का जो एनालिसिस था, आज बैंक निफ्टी में कैसे काम करना था, उसका एनालिसिस नहीं दे पाया क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम से जाना पड़ा। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, क्या साइकोलॉजी रहेगा, क्या माइंडसेट रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, चलिए सब कुछ हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का करते हैं एनालिसिस और उसके बाद हम निफ्टी का करेंगे एनालिसिस। तो निफ्टी का जो एक्सपायरी आज लगभग 53,000 के आसपास जो है आया है और उधरी के आसपास 52,870 के आसपास क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे कि इस मार्केट को टेकओवर कौन किया हुआ है, बायर्स किए हुए टेकओवर। और हमने एक चीज़ आपको समझाया था कि मार्केट में सप्लाई दो ही कंडीशन पे होने वाली है। पहला कंडीशन क्या था कि जब तक ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट में सप्लाई नहीं शुरू होगा, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा। दूसरा कंडीशन था कि जो ये हाई को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ये जो हाई था जहां से ये गैप अप ओपन होकर के सस्टेन नहीं किया था, मार्केट गिरा था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। जब तक यहाँ पर एक फेक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बायर्स को मार्केट अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बियरिश प्राइज एक्शन, हमने क्या आपको समझाया है, बियरिश प्राइज एक्शन जब तक नहीं बनता है तब तक जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट में सप्लाई शुरू हो। ये तो कंफर्म है कि जब तक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक सप्लाई नहीं शुरू होगा, या फिर बियरिश प्राइज एक्शन बना दे टॉप पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर हाई लगाया है, वापस हाई लगाया है, ठीक है। तो यहां पर जब नया हाई लगाना मार्केट बंद कर दे, इस तरीके से अगर हाई लगा रहा है, नया हाई लगाना बंद कर दे, तो ये होता है बेरिश प्राइज एक्शन। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर बायर्स मार्केट को टेकओवर किए हुए हैं, बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक यहां पर अभी बेरिश प्राइज एक्शन नहीं बन रहा है, फिलहाल अभी भी बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाकर के मार्केट होल्ड कर जाता है और यहां पर सपोर्ट शिफ्ट करना शुरू करता है, फिर से 53,000 के आसपास होल्ड किया है, फिर से यहां पर आप देखेंगे 2-4 दिन टाइम बिताएगा, सपोर्ट शिफ्ट करेगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने जो है ट्रेंड एनालिसिस में एक चीज सीखा है, ट्रेंड एनालिसिस में क्या सीखा है, अगर आपने 6 घंटे का कोर्स नहीं देखा है आप जाकर के देख लीजिए, उसमें हमने आपको समझाया हुआ है कि किसी भी ट्रेंड को मार्केट फॉलो जब करता है, अगर ये अप ट्रेंड है तो बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर जाता है, तो कितने वेव तक मार्केट किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। हमने ट्रेंड एनालिसिस में ये सीखा है कि कम से कम हम 5 वेव तक मार्केट को देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 6 या 7 वेव यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम वेव काउंट करें तो ये एक वेव हो गया, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर 4 वेव यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर बन चुकी है, ठीक है। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हम इसको इंपल्सिव मानते हैं। फिर ये करेक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है, 2-3, फिर ये करेक्शन हुआ 4, यहाँ पर 5 वेव यहाँ पर आपकी बनी हुई है। अगर हम इसको काउंट करते हैं कि ये पूरा एक इंपल्सिव वेव मानिए पूरे कैंडल को, यहाँ पर मार्केट काफी दिन बताया करेक्टिव वेव, फिर से इंपल्सिव वेव, फिर मार्केट 4 दिन करेक्ट हुआ, फिर से इंपल्सिव वेव, तो 1-2, ठीक है, यहाँ पर 3-4-5, 5 वेव बन चुकी है। मैक्सिमम 7 वेव तक यहाँ पर हम जो है मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 वेव तक मार्केट किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसके बाद जरूर जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंड मार्केट चेंज करेगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं मार्केट को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, सेलर मार्केट को टेकओवर कब करेंगे, जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नहीं करता है, या फिर टॉप पर हमें जो है 7 वेव बन जाए, या फिर बेरिश प्राइज एक्शन बन जाए, मतलब मार्केट नया हाई लगाना बंद कर दे, ठीक है। तो कुल मिला करके अभी मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं के हिसाब से अभी काम करना है। फिर से मार्केट 53,000 को होल्ड कर रहा है एक साइकोलॉजिकल लेवल को, और मार्केट थोड़ा बहुत जो है वहीं पर टाइम बताएगा, फिर से इसी तरीके से मोमेंटम आपको दे सकता है 7वीं वेव के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हमारे लिए रहेगा 53,000 का लेवल, वो फिर से हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी आपको डर लगेगा कि मार्केट एकदम टॉप पे चल रहा है और बाइंग करने के लिए डर लगेगा, बहुत लोगों को डर लग रहा होगा बाइंग करें ना करें, या फिर बाइंग भी कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी निकल जा रहे होंगे, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, डर अगर लग रहा है तो आपको छोटी पोजीशन से जाना है, मतलब एक लॉट दो लॉट, अगर आप पहले 10 लॉट 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो छोटी पोजीशन से जाइए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या करना है कि हमें एक चीज यहाँ पर पता करना है, हम यहाँ पर ये लगा देते हैं, हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है, हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा 52,400 का हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, 53,000 का हमारे लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। फिर से हमने ये लेवल ड्रॉ किया जैसे यहाँ पर आपने ड्रॉ किया था, सेम जैसे आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था कि हमारे लिए ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और हमारे लिए ये क्या था, एक सपोर्ट था, हमारे लिए क्या था, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब भी ट्रेंडिंग मूव करता है मार्केट, ठीक है, जब भी ट्रेंडिंग मोमेंटम देता है और किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल पे एक रेंज बनाना शुरू करता है, फिर से ट्रेंडिंग मोमेंटम दिया, किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड करके एक रेंज बनाना शुरू करेगा, फिर से इसको इस तरीके से, तो इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है तो हम भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर ये 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को बैंक निफ्टी आगे ब्रेक करने वाला होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम 53,000 का जो भी एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, इस तरीके के मोमेंटम को रेडी हम तब करेंगे, रेडी होंगे हम अपने लिए प्रिपेयर करेंगे तब जब ये एकदम रेजिस्टेंस सेम रख ले और यहाँ पर जो है सपोर्ट की जो है शिफ्टिंग कर दे इस तरीके से। तब ये तीन बार अगर सपोर्ट शिफ्ट कर लेगा तो बहुत हाई चांस है कि 53,000 का फिर से ब्रेक करेगा, जैसे ये 52,000 को यहाँ पर किया था, ठीक है, आपको याद होगा 52,000 का जो लेवल था इसको भी फटाफट ब्रेक करना शुरू कर दिया, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट क्या किया, तीन बार जो है यहाँ पर अपना जो है रेजिस्टेंस सेम रखा और सपोर्ट की यहाँ पर शिफ्टिंग कर दिया, पहला शिफ्टिंग यहाँ किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, तीन बार शिफ्टिंग कर दिया, तो मार्केट में मोमेंटम जो है ऊपर की साइड में आ गया, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ऐसा प्राइजेक्शन देखिए क्योंकि सारे स्टॉप लॉस अब ऊपर की साइड में लग रहे हैं। अब आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो अब कल के कॉन्ट्रैक्ट में पता चलेगा कि अब स्टॉप लॉस किस साइड लग रहे हैं, फिलहाल के लिए इस पूरे मार्केट में एसएल ऊपर की साइड में लग रहे थे इसलिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और 53,000 को जो है होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब वापस से जैसे यहां पर आप देखेंगे लास्ट वाले मार्केट में ये जो सपोर्ट का ये फेक ब्रेकडाउन होकर के मार्केट ऊपर गया था, ऐसे भी यहां भी हमें सपोर्ट का फेक ब्रेकडाउन होकर के मार्केट अंदर भी रिवर्स करेगा, फिर 53,000 को भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाया होगा, उसमें लिखा होगा, तो उसमें आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए 53,000 का रेजिस्टेंस, 52,400 का हमारे लिए क्या रहेगा, 53,000 का यहाँ रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। तो इसके बीच में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, इसके नीचे अगर एक घंटे सस्टेन करेगा, एक घंटे, ठीक है, अगर 52,400 के नीचे अगर एक घंटे सस्टेन करेगा तो फिर इसका जो है 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसका एसएल हंटिंग होगा तो कटेगा, तो फिर मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है, मतलब 51,200 तक यहाँ तक आ सकता है। तो ये पूरा जो एरिया रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल ऑन राइज रहेगा, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, राइज होने पर मतलब इंपल्सिव वेव नीचे की साइड में आएगा, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव, चाहे टाइम करेक्शन ले ले चाहे प्राइस करेक्शन ले ले, तो 12,400 के नीचे एक घंटे सस्टेन करने देना है, तब हम जो है रेजिस्टेंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वहां पर सेल करेंगे, ठीक है। अगर एक घंटे सस्टेन नहीं किया तो फिर हमें एक बेरिश जो है बुलिश प्रेडिक्शन बनेगा और फेक यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा और इस तरीके का डायरेक्शन मिलेगा, जैसे ये वाले मार्केट में फेक ब्रेकडाउन हुआ था अपने सपोर्ट का, आपको पता होगा यहाँ पर, इसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया था, तो ऐसे फिर से हमें यहाँ पर बुलिश प्रेडिक्शन पर रिवर्सल मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी, आगे रेजिस्टेंस पता नहीं है, मार्केट को फॉलो करेंगे, इसके नीचे एक घंटे सस्टेन करने पर हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करने पर बाय ऑन डिप करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ट्रेड करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा, सिंपल सा प्लान है, और अभी के लिए जो ट्रेंड चल रहा है बड़ा वाला ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का है, बाय ऑन डिप्स का है डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो भी बायर्स मार्केट को टेक ओवर किए हुए हैं उनका स्टॉप लॉस अब डेली टाइम फ्रेम पे लगना शुरू हो गया है। अभी इसको हम पहले समझ लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आकर के, कि कैसे जो भी बायर्स यहां पर मार्केट को उठाए हैं, मार्केट को ले जा रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस कैसे अब वो लोग ट्रेल करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी स्टॉप लॉस जो है हर कैंडल क्लो के नीचे लगा रहे थे, ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा रहे थे, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था इसके नीचे लगा रहे थे, ब्रेक कर देता है, तो इस कैंडल के आधे पे लगाते हैं, इसको भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पे लगा होता है, अब ये कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गया, तो अब इसका जो 50% रहेगा यहाँ पर उनका जो है स्टॉप लॉस लगा है जो बायर्स आए हुए हैं, इसलिए हम आप बात कर रहे हैं कि अगर 52,000
जो 400 के नीचे अगर एक घंटे सस्टेन करता है तो ये लोग जो भी बायर्स आए हुए हैं प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे, तो एक हमें जो है इंट्राडे पे सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा। इसके बाद फिर जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आएगा फिर से यहाँ पर बायर्स मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर से हमें जो है एक यहाँ से ऊपर की साइड में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर इस हाई तक पहुंचते पहुंचते मार्केट नया हाई न लगा करके नया लो लगाना शुरू कर दिया तो फिर हाई चांसेस है ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करेगा, और जब कभी भी ब्रेकडाउन करता है डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर हम यहाँ पर सेलर के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा? फिर सेलर करेगा, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। फिलहाल अभी अप ट्रेंड है तो मार्केट को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और स्टॉप लॉस फॉलो करिए कि बायर जो भी आए होंगे मार्केट में उनका स्टॉप लॉस कहां पर लग रहा है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलिए सिंपल है, बैंक निफ्टी को इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो आप सब आई हो आप समझ गए होंगे 53,000 और 52,400, ठीक है, ये दोनों लेवल हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहां पर इसको ट्रेड करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, एक घंटे नीचे की साइड में सस्टेन करना चाहिए तो हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा रहेगा। चलिए इतना आप समझ गए, ओके, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी का, हम देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो चलिए अब हम निफ्टी का करते हैं एनालिसिस। तो निफ्टी का हमने जो है चार्ट ओपन कर लिया है, स्पॉट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम का। अब इस चार्ट पर जो है हम लोग ये पता करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर आपको दिख रहा है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बायर्स मार्केट को टेक ओवर किए हुए हैं, तो उनके स्टॉप लॉस कहां कहां लगेंगे। अगर मान लीजिए आप ही अगर यहां पर नीचे से अगर आपने यहाँ पर अगर नीचे से इसको बाइंग करके ऊपर की साइड में अगर गए होंगे तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे होंगे तो जो भी बायर्स मार्केट को जो है टेकओवर किए हुए हैं उनके एसएल कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब उनका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा तो ही मार्केट में जो है एक जो है सेलिंग आएगी, मतलब आपको एक डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसमें काम करना है, कहाँ पर आपको बाइंग करना है, कहाँ पर आपको जो है सेलिंग करना है, मतलब कहाँ से बायर्स फिर से मार्केट को उठाएंगे, कहाँ पर सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी तक देखिए जब इसके हाई को मार्केट जो है यहाँ तक क्रॉस किया हुआ है ये हमारे लिए अभी के लिए क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर जो है दो तीन दिन चार दिन टाइम बिताया है, इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो जो भी बायर्स यहाँ पर आए होंगे अब उनका जो स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए जब सपोर्ट बना है तो इस सपोर्ट के नीचे ही बायर्स का स्टॉप लॉस लगा है। कुछ बायर्स होंगे जो ये कैंडल का जो हाई है जो ब्रेक किया था यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, तो ये दो जगह हमें क्या मिल रहा है, स्टॉप लॉस मिल रहा है, जो बायर्स मार्केट को ले जा रहे हैं ऊपर, जो बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके ट्रेलिंग एसएल कहाँ कहाँ लगेंगे, ठीक है। यहाँ पता चल रहा है कि कुछ लोग ये रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट इसका लगा के चलेंगे, कुछ लोग जो ये वाली कैंडल है ये वाली इसका जो हाई है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं सिंगल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर दिए, तो दो जगह बायर्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें, ठीक है, ये आते हैं चार घंटे के टाइम फ्रेम पे और एक ट्रेंडिंग हम लोग वो भी देखते हैं, ट्रेंडिंग हम लोग सपोर्ट देखते हैं। देखिए कल की एक्सपायरी में निफ्टी में जो है बवाल होने वाला है, तो ध्यान से समझ लेना कि कहां पर कहां तक बायर्स मार्केट को उठाएंगे और कहां तक जो है सेलिंग आ जाएगी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रेंडिंग सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, तो कुछ जो बायर्स होंगे इस ट्रेंड लाइन का भी जो है फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, बाकी दोनों स्टॉप लॉस रखे रहते हैं। देखिए ये जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, इस ट्रेंडिंग सपोर्ट के नीचे एक हमें अच्छा जो है सेलिंग जो है प्रेशर देखने को मिलेगा, तो ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का रहेगा। मतलब जैसे अभी तक मार्केट को बायर्स कंट्रोल कर रहे थे इसके हिसाब से अब इसके नीचे सेलर कंट्रोल करेंगे, ये पहले एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, पहला चीज। दूसरा चीज, जब से इसके हाई को क्रॉस किया है, ठीक है, तब से जो है कुछ यहाँ पर बहुत स्लो मोमेंटम चल रहा था, मोमेंटम रोल ओवर कर रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक एक ऊपर कैंडल क्लोज होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, तो जब तक मार्केट जो है नया हाई न लगाना जो है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बायर्स के कंट्रोल में है, तो नया हाई लगाते ऊपर जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नया हाई लगाना बंद कर देगा, तब जाकर के हमें समझ जाना है दूसरा वाला जो कंडीशन है कि अब मार्केट जो है अब बायर्स को जो है फंसा लिया है, अब यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, तब हम करेंगे। तो अभी पहला और न दूसरा सेलिंग के लिए अभी कुछ नहीं मिला है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और प्लानिंग करते हैं कि कल के लिए हम कैसे काम करेंगे।
ठीक है, कल के लिए हम निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम कैसे काम करेंगे। अब चलिए, अब हमने जो भी लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये लाइन बायर्स के स्टॉप लॉस है, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये भी लाइन बायर्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे आप भी बाइंग किए थे, ठीक है, आप भी यहां पर बाई किए हो, इसको नॉर्मल समझिए, जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तो यही इसी वजह से सेलिंग यहां पर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, फिलहाल जब तक हम एसएल के ऊपर चल रहे हैं, ट्रेलिंग एसएल के ऊपर चल रहे हैं, तब तक यहां पर बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको एक चीज हमेशा से बताया हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जो भी ऑप्शन बायर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स हम लोग क्या देखते हैं, लॉस देखते हैं कि कहां पर ये लोग लॉस बुक, जो इनका लॉस कहां पर होने वाला है, और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं कि कहां पर ऑप्शन सेलर जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको इस कॉन्सेप्ट से समझें कि इसको हमेशा समझना कि ऑप्शन बायर का कहां पर लॉस होने वाला है और ऑप्शन सेलर का कहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, मतलब कहां पर उनको प्रॉफिट हो सकता है। अब ऐसे मार्केट में क्या हुआ होगा, जितने भी जो ऑप्शन बायर्स होंगे वो क्या किए होंगे, पुट बाय किए होंगे, क्या किए होंगे, पुट बाय किए होंगे, पुट की पोजीशन बार बार वो लोग ले जा रहे हैं और एक होप ट्रेडिंग चल रही है, मतलब उम्मीद कि मार्केट अब हमारे नीचे आएगा, कल एक्सपायरी है, कल तक भी उनके अंदर उम्मीद बनी रहेगी। ठीक है, तो जो भी पुट बाय किए हैं इनका लॉस किधर रहता है, ऊपर की साइड में। ठीक है, अगर आप भी पुट बाय करते हो तो आपका व्यू क्या है, मार्केट नीचे आए, स्टॉप लॉस किधर लगाते हो, ऊपर लगाते हो, तो इस मार्केट में सारे स्टॉप लॉस अभी तक ऊपर लगे हुए हैं और कल तक भी जो है एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल तक भी ये होप ट्रेडिंग जरूर रहेगी जो भी पुट बायर्स यहां पर आए होंगे। आप जब पुट बाई करते हो तो आपके एसएल ऊपर लगते हैं, आपका भी होता है मार्केट नीचे आएगा, लेकिन जब आप किसी से जो है पुट बाई करते हो तो कोई तो आपको सेल कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं पुट राइटर, ऑप्शन सेलर को हम क्या बोलेंगे, राइटर बोलेंगे। अगर आप कॉल बाई करते हो तो कोई तो आपको कॉल सेल किया होगा, उसको बोलेंगे, ठीक है, कॉल राइटर। तो यहां पर हम इसको ऐसा समझेंगे कि ऑप्शन सेलर के नजरिए से मार्केट को देखेंगे, ऑप्शन बाय के नजरिए से मार्केट को नहीं देखेंगे। तो इसका ऐसा समझिए कि मार्केट ऊपर गया हुआ है तो पुट क्या हुआ है, राइट किया गया है, मतलब पुट सेल किया गया है। ठीक है, अब पुट सेल किया गया है मतलब पुट क्यों राइट किया गया, मतलब पुट सेल किया गया है ऑप्शन सेलर द्वारा, तभी मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहां पर पुट राइटिंग हुई है। अब जब ये पुट राइटर जब यहां पर एसएल लगा के चल रहे हैं, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एकदम नीचे से जो है पुट राइट करते हुए चल रहे हैं और टॉप पर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब मार्केट से एग्जिट होंगे। ठीक है, जब मार्केट से एग्जिट होंगे तो क्या करेंगे, जो पुट सेल किए थे एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइंग करना पड़ेगा। तो अब यहां पर बड़े प्लेयर पुट में, ठीक है, बाइंग करना शुरू कर देंगे और कुछ नए लोग क्या करेंगे भी इंटर, यहां पर तैयारी रहेंगे कि नहीं यहां पर इंटर करने वाले होंगे, तो हमें यहां पर एक सेलिंग आ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि पुट में लॉन्ग बनने लगा, कॉल में लॉन्ग बनने लगा, तो इस तरीके से यहां पर जो है हम हमेशा बड़े प्लेयर के प्रॉफिट को देखेंगे कि किधर प्रॉफिट उनका जाएगा, छोटे प्लेयर का लॉस देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल यहां पर ऐसा लगे हैं, ट्रेलिंग यहां पर लगे हैं। अब क्या करना है, निफ्टी की एक्सपायरी में हमें क्या करना है, सिंपल सा है कि इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो टॉप है हम इसको क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, हमने क्या मान लिया, रेजिस्टेंस मान लिया, ऊपर 24,000 का एक अच्छा लेवल है। ठीक है, अब कैसे करना है, अब निफ्टी 50 में अगर हम यहां पर फ्लैट कहीं भी ओपन होते हैं, ध्यान देना, हम कहीं भी फ्लैट ओपन होते हैं तो ये एक रेंज रहेगा, कहां से रेंज रहेगा, 23,760 से लेकर के 23,900 तक। ठीक है, 23,700 लेकर से 23,760 से लेकर के 23,900 तक का यहां पर एक हमें रेंज मिलने वाला है अगर फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होते हैं अगर ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस जो है बार बार सेम रखता है, तो ध्यान देना फिर से यहां पर स्टॉप लॉस ऑप्शन बायर्स के ऊपर लगेंगे और यहां पर हमें तीसरी बार जब सपोर्ट शिफ्ट करेगा तो इसका हम रिस्क लेंगे और टारगेट रख लेंगे 24,000 का। ठीक है, मार्केट को फॉलो करते हुए एक सपोर्ट लाइन का हम यहां पर रिस्क ले लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही खुलते ही नीचे आ गया तो वेट करना कि यहां पर फेक ब्रेकडाउन कर जाए। ठीक है, फेक ब्रेकडाउन कर जाए या फिर यहां पर एक बुलिश प्रेडिक्शन बन जाए तो हमें एक रिवर्सल यहां पर देखने को मिलेगा, तो हम इसको प्लान करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसके नीचे ऐसा लगे हैं, लेकिन ध्यान देना इसके पूरे नीचे कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहां पर चाहिए क्लोजिंग। अब एक दिन तो हम इंतजार करेंगे नहीं, हम कल ही एक्सपायरी में काम करने वाले हैं।
ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस जो है डेली टाइम फ्रेम पे लोग फॉलो करेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका फेक ब्रेकडाउन करेगा और इसके बाद यहाँ पर हमें रिवर्सल मिल सकता है। तो इस फेक ब्रेकडाउन पर भी हमें काम करना है, ठीक है। फेक ब्रेकडाउन करने के बाद भी मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट कहीं ना कहीं लेगा, जहाँ कहीं भी हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा तो ही हमें वहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन पे अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये पूरा रेंज तक मार्केट जो है काम कर सकता है कल की एक्सपायरी में, 23,000 जो है 700 से लेकर के 23,900 तक का, यहाँ तक का रेंज में काम कर सकता है। थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, तो हम उस वोलेटाइल को भी झेलेंगे, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट इसको बोलते हैं, मार्केट वन पे जा रहा है। वोलेटाइल मार्केट मतलब नीचे भी आ सकता है, ऊपर जा सकता है, इस तरीके का मार्केट आपको मिल सकता है। तो हम पहला ट्रेड यहाँ पंच करेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रेड इस तरीके डायरेक्शन पे पंच करेंगे, क्योंकि अभी तक भी लोगों के अंदर एक होप बना हुआ है और इस होप को मार्केट कल तोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमें रहेगा। अगर गैप ओपन हो गया तो क्या करेंगे, गैप ओपन हुआ एक घंटे सस्टेन कर गया किसके ऊपर, 23,900 के ऊपर, तो हम 24,000 का टारगेट रख लेंगे और ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो एक घंटे ट्रेड करने देना गैप अप अगर वो ओपन होता है तो, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया इस सपोर्ट पे तो इमीडिएट ट्रेड नहीं करना है। अगर फ्लो में ब्रेक करता है तो आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है, आपको एक मौका मिलेगा कि 23,700 पे कोई भी बुलिश कैंडल बने, आप तुरंत यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहीं पर टाइम बताना शुरू कर दिया तो एक रेंज को बनेगा, इस रेंज को ऊपर या फिर नीचे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, तो इस रेंज को हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा, फ्लो में ब्रेक करेगा तो हम रिवर्सल देखेंगे, रुक गया सस्टेन करने लगा तो एक रेंज बनाएगा, उस रेंज को ट्रेड करेंगे, नहीं रुका कुछ ऐसा बनाने लगा प्राइजेक्शन तो इस प्राइजेक्शन को ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये प्लान रहेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल कर देते हैं, रजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर एक घंटे सस्टेन करेगा, बाई ऑन डिप्स करेंगे और ये वाले में हम वेट करेंगे कि हम इस सपोर्ट से अगर रिवर्सल मिलेगा तो ही हम काम करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तब जाकर के अगले दिन हम सेल ऑन राइज देखेंगे, इस तरीके का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी 50 में इस तरीके का, ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ से हम रिवर्सल। तो ये तीन ट्रेड रहेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, ठीक है, तीन ट्रेड हमारे रहेंगे यहाँ पर, सिंपल है। तो मिला जुला करके इस एरिया से हमें जो है रिवर्सल अगर मिलता है तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा हमारे लिए। तो हम यहाँ से रिवर्सल, दोनों एरिया से रिवर्सल देखेंगे और यहाँ पर अगर सपोर्ट शिफ्ट कर रहा हो तो इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर गैप अप हो गया या फिर ब्रेकआउट कर दिया तो एक घंटे के बाद हम जो है ऊपर की साइड को ट्रेड करेंगे। अगर एक घंटे के पहले ही अंदर में घुस गया तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा, वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा, तब हम इसी रेजिस्टेंस का एसएल के साथ में सेल ऑन राइज फॉर्म पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये निफ्टी का हमारा रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा के आधार पे निफ्टी में कल की क्या प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन का डेटा ओपन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन के डेटा के आधार पर यहाँ पर कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हुआ है, ठीक है, वाई प्लस में है, प्राइस प्लस में है, इसको बोलते हैं कॉल में लॉन्ग बनाना, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस माइनस में है और वाई यहाँ पर जो है प्लस में है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। क्या बोलते हैं? शॉर्ट बिल्डअप। तो पुट को शॉर्ट किया गया है बड़े प्लेयर द्वारा, कॉल में लॉन्ग पोजीशन बनाया है, तो ऑप्शन चेन यहां पर बता रहा है कि मार्केट अभी तक के लिए बुलिश था, मतलब बहुत लोगों ने पुट बाई करके गए हैं, ठीक है। यहां पर ये इधर का पुट का डेटा है, इधर का कॉल का डेटा है, तो हम डेटा किसका देखते हैं, किसके नजरिए देखते हैं, ऑप्शन सेलर के। तो ये पूरा जो डेटा है ऑप्शन पुट का है, इधर का कॉल का है, तो इधर मतलब सेलर ने कितना पुट बेचा है, इधर सेलर ने कितना कॉल बेचा है, ठीक है, ये हम यहां पर देखते हैं। तो नीचे आते हैं, नीचे देखेंगे 70 लाख यहां पर सेलर ने पुट सेल किया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 55 लाख यहां पर सेलर ने कॉल सेल किया है, तो अब कितना है, 15 लाख ज्यादा यहां पर कॉल जो है कम है, 15 लाख ज्यादा पुट बेचा गया है, तो मतलब मैक्सिमम बायर्स पुट बाई किए हैं, इसका मतलब उनके एसएल ऊपर लगे हैं, तो जिधर एसएल लगता है मार्केट उधर ही मूव करता है। तो ऑप्शन चेन बता रहा है कि पुट राइटर यहां पर ज्यादा हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो फिर लाइव मार्केट में डेटा चेंज होता है। तो जैसे मान लीजिए आप समझिए आप बड़े प्लेयर हो, अगर फ्लैट ओपन हो गया, बहुत ज्यादा पुट राइटर हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस है कहीं ना कहीं से रिवर्स करेगा, ठीक है। पुट राइटर राइटिंग हुई है, गैप ओपन हो गया, तो मैक्सिमम चांसेस है पुट राइटर प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए हम एक घंटे सस्टेन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक घंटे सस्टेन करेगा तो नए वापस आ जाएंगे, नहीं करेगा तो सारे प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाएंगे। गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया तो जो भी पुट राइटर किए हैं और पुट राइट करना शुरू कर देंगे। तो बड़े प्लेयर क्या कर सकते हैं कल के दिन में आज के डेटा के आधार पर, वो हमें सोचना है, मतलब सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना है, बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी
ठीक है, और छोटे प्लेयर की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब वो क्या सोच सकते हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है, क्योंकि ट्रेडर जैसा सोचेगा वैसा चार्ट मूव करता है। तो चार्ट में मोमेंटम सिर्फ ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से आता है, अगर सामने साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है, तो इतना सिंपल एनालिसिस है, बाकी कल मिलते हैं। कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।